नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो में। दोस्तों, आज के इस लाइव क्लास के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा चुका है। टॉप 25 इंपॉर्टेंट जीके और जीएस का क्वेश्चन पेपर होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में कॉमेंट करके बताना है कि आपका 25 में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं जो आपको टारगेट देता हूँ, कम से कम आपको 20 का सही जवाब देना है। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, यानी कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका यमुना नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी हुगली नदी या ऑप्शन डी गंगा नदी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका गंगा नदी के किनारे पर लड़ा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया तो आपका 23 जून 1757 को लड़ा गया था, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दो नंबर की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच स्टेट इज द हिल स्टेशन नैनीताल लोकेटेड, यानी कि पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी राजस्थान। जल्दी से बताना है कि पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में स्थित होता है। तो देखिएगा, पर्वतीय स्थल नैनीताल जो होता है वो आपका उत्तराखंड में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर उत्तराखंड यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मनाली पर्वतीय स्थल कहां पर होता है, तो मनाली जो होता है वो आपका हिमाचल प्रदेश में होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे तीन नंबर क्वेश्चन की ओर। तीन नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ड्रोन कप इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि ड्रोन कप का संबंध किस खेल से है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है कि ड्रोन कप का संबंध किस खेल से होता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, यहां पर आपको बताना है कि ड्रोन कप का संबंध किस खेल से होता है। तो देखिएगा, ड्रोन कप का संबंध जो होता है वो आपका फुटबॉल खेल से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है, तो ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी का संबंध जो होता है आपका क्रिकेट खेल से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से होता है, तो उबेर कप का जो संबंध होता है वो आपका बैडमिंटन खेल से होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चार नंबर की ओर। चार नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हम होंगे कामयाब, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी यहां पर आपका जनगण मन या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जल्दी से बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा होता है। तो देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत जो होता है वो आपका वंदे मातरम होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। वंदे मातरम जो लिखा गया है वो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे पांच नंबर क्वेश्चन की ओर। पांच नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, यानी कि कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन चार आपके सामने है, यहां पर आपको बताना है कि कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो होता है वो आपका भारत में नहीं होता, माउंट एवरेस्ट जो होता है वो आपका नेपाल में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छह नंबर की ओर। छह नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच वेदाज आर सेड टू बी द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, यानी कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपसे बोलना चाहूंगा, वीडियो को पूरा देखना है बिना भी स्किप किए हुए, क्योंकि आज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना है। तो देखिएगा, भारतीय संगीत का मूल जो कहा जाता है वो आपका सामवेद को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा वेद है जो जादू टोना से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका अथर्ववेद जो होता है आपका जादू टोना से संबंधित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना वेद कौन होता है, तो सबसे पुराना वेद जो है आपका ऋग्वेद होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सात नंबर की ओर। सात नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां स्थित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताना है कि भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ग्वालियर है, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर या ऑप्शन डी भोपाल। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान जो होता है वो आपका राजस्थान की राजधानी जयपुर में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। भारतीय सेना का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1895 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नंबर की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि विच डे इज सेलिब्रेट एज नेशनल वोटर डे, यानी कि किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जल्दी से बताना है कि किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन चार आपके सामने है, तो यहां पर आपको बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए
थल सेना दिवस जो होता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की, और 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाय विच नेम इज द समाधि ऑफ राजीव गांधी नॉन, यानी कि राजीव गांधी की समाधि, इनमें से कौन से नाम से जानी जाती है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है। तो देखिए राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम जो होता है आपका वीरभूमि होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी वीरभूमि बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल का नाम क्या होता है, तो राजेंद्र प्रसाद का जो होता है आपका महाप्रयाग घाट होता है, और महात्मा गांधी का जो होता है आपका राजघाट होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोरारजी देसाई का समाधि स्थल क्या है, तो मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल होता है वो आपका अभय घाट होता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की, और 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ दिस बुक्स इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी कि इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका गोदान है, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी गब्बन, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहां पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक है जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस जो है, यानी कि गोदान जो है आपका मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, रंगभूमि भी और गब्बन भी, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को, और 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन पूछा है कि लक्ष्मभक्त की उपाधि इनमें से किसे को दी गई है, क्वेश्चन बहुत अच्छा, जल्दी से बताना कि लक्ष्मभक्त की उपाधि किसे दी गई है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन डी बलबन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्ष्मभक्त भी कहते हैं, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को, और 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन पूछा है कि इन विच प्लेस इज द नेशनल डिफेंस कॉलेज लोकेटेड, यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि एनडीसी यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज जो होता है आपको कहां पर स्थित होता है, आपको बताना है। तो एनडीसी यानी कि नेशनल डिफेंस कॉलेज जो होता है आपका दिल्ली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और एनडीए जो होता है यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो होता है वो आपका खरगवासला में होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और देखिए यहां पर आरआईएमसी जो होता है वो आपका देहरादून में होता है, और इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो होता है वो आपका देहरादून में होता है, इसे भी आपको याद में रख लेना है। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इन विच प्लेस इज कुंभ ऑर्गेनाइजेड, यानी कि कुंभ का जो मेला होता है, यानी कि कुंभ का मेला का आयोजन जो होता है वो किस स्थान पर होता है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हरिद्वार, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी नासिक, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कुंभ का मेला जो लगता है वो आपका हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, और नासिक में भी लगता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को, और 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के एक एक लाइक कर दो, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाकर के एक एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहले बैठे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, सौर मंडल में कौन से ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें बताना है कि विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट। तो देखिए लाल ग्रह जो कहा जाता है आपका मंगल को कहा जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी मंगल यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ता है 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा जैसे हमारा जीके का पार्ट खत्म होगा उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका 15 जीके में कितना सही होता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड एट द टाइम ऑफ पीस, यानी कि शांति के समय सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार इनमें से कौन सा है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका शौर्य चक्र, ऑप्शन बी अशोक चक्र, ऑप्शन सी कृति चक्र, या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी अशोक चक्र यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, और 16 नंबर क्वेश्चन हमारे यहां से जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन पूछा है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है, आपको बताना कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है वो आपका नवजात शिशु को लगाया जाता है, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन मैन, यानी कि मनुष्य के में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। ऑप्शन यहां पर आपका 212, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 208, या ऑप्शन डी 200। तो इसका राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां जो होते हैं आपका 206 होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को, और 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहां पर आपका थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन बी मैकमिलन, ऑप्शन सी रुडोल्फ, या ऑप्शन डी राइट बंधु। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना। तो देखिए बिजली के बल्ब का आविष्कार जो किया गया था वो आपका थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था, यानी कि इसका
राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साइकिल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो साइकिल का आविष्कार जो किया गया था आपका मैकमिलन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और डीजल इंजन का आविष्कार जो किया गया था आपका रूडोल्फ के द्वारा किया गया था। और हवाई जहाज का आविष्कार जो किया गया था आपका राइट बंधू के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको याद कर लेना है। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डायनेमो है, ऑप्शन बी हीटर, ऑप्शन सी मोटर या ऑप्शन डी बैटरी। तो देखिएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो बदलता है वो आपका बैटरी बदलता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। डायनेमो जो होता है आपका यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, इसे भी आपको याद रख लेना। और हीटर जो होता है आपका विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा में बदलता है, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना। और मोटर जो होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसे भी आपको याद रख लेना है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एयर प्रेशर, यानी कि वायु दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि वायु दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग वायु दाब मापने के लिए करते हैं, और ताप मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, इसे भी आपको याद रख लेना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है, आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कॉर्निया किसका भाग होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका कान है, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी वृक्क या ऑप्शन डी आंख। तो जल्दी से बताना है कॉर्निया किसका भाग है। तो देखिए कॉर्निया जो होता है वो आपका आंख का एक भाग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहां पर आपका आम होता है, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी आंवला या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए अस्कर्वी रोग के लिए जो होता है वो आपका आंवला और नींबू वगैरह जो होता है, वह खट्टा चीज जो होता है वो आपका अस्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आंवला यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, आपको बताना कि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 120 दिनों का होता है, ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है कि किस तत्व की कमी के कारण से घेंघा रोग हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका नाइट्रोजन है, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन डी आयोडीन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी आयोडीन की कमी से हमारा घेंघा रोग होता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हु इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ वुमेन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका नाखून है, ऑप्शन बी जबड़े की हड्डी, ऑप्शन सी स्टेपीज या ऑप्शन डी नाक की हड्डी। तो देखिएगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है आपका स्टेपीज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते एक एक लाइक कर दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों। आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका इसमें कितना सही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है। तो आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।